क्या खेलने वाले हैं? बॉल के साथ। 2 बजे ही ना आराम से हो रहे हैं। 6 बजे हो गए हैं। अच्छा 6 बजे हैं ठीक है। ओके जल्दी करो। शिशु आया है। गुड आफ्टरनून गाइस, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज का जो व्लॉग है वो हमारा हो रहा है आफ्टरनून से स्टार्ट, और यहाँ पर दिन है थर्सडे का। तो बस मैं नन्नू को लेकर आई हूँ स्कूल से, और टाइम यहाँ पर 12:30 हो रहे थे। एंड बस इसके मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, और यहाँ पर मैं इसका बैग देख लूँगी, खाना वाना खाया या नहीं खाया, साथ में इसका होमवर्क देखूँगी। आते के साथ ना यही होता है, पहले इसके कपड़े चेंज करवा के ये हैंड वॉश वगैरह करता है, देन इसकी बुक्स वगैरह देखती हूँ, होमवर्क वगैरह देखती हूँ। अगर अभी नहीं देखा ना तो फिर बस बाद में वो पेंडिंग ही रह जाता है। तो बस पहले इसका होमवर्क चेक कर लिया, क्या इसको होमवर्क मिला है और क्या करके आया है। तो वैसे तो सभी पेरेंट्स यही चेक करते हैं ना, और नन्नू पता नहीं क्या क्या कर रहा है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर मैंने इसका होमवर्क चेक कर लिया है, और मैं इसको बोलती हूँ ना कि थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, तो बोलेगा कि मम्मा मैं 2 बजे पढ़ूंगा। 2 बजे फिर बज जाती है, तो फिर कहते हैं 3 बजे पढ़ूंगा। 3 बजे तो ये सो ही जाता है, फिर सीधा उठता है 5 बजे, इतना इसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो बस ट्यूशन में जाके ही पढ़ता है, और आइए 12:30 बजे जाता है। तो बस अभी इसको मैं पानी दे दूँगी, और ये देख लो फ़ोन लेके बैठ गया, मतलब आते के साथ ही बच्चों को फ़ोन ही चाहिए। तो बस मैं उसको अंदर बिठा के आ गई हूँ, और मैं आ गई थी किचन में। मुझे बनाना था अभी लंच, 12:30 हो रहे हैं जैसे कि मैंने पहले बताया। तो 12:30 बजे से ही मेरा किचन का काम स्टार्ट हो जाता है लंच का, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज भिंडी। वैसे मैं ना भिंडी हमेशा अलग तरीके से आप लोगों से शेयर करिए, आज मैंने कुछ अलग तरीके से बनाई है, लेकिन रेसिपी मतलब ऐसे बता पाऊँगी, क्योंकि ना लाइट नहीं थी और किचन की ना लाइट नहीं चल रही थी। हमारी जब लाइट नहीं होती ना तो किचन में लाइट नहीं चलती है, तो जिस वजह से अंधेरा अंधेरा हो रहा था। तो मैंने फ़ोन दूर ही रखा हुआ था, तो दूर रख के ही मैं आपको बता पाऊँगी कि मैंने कैसे बनाई है कैसे नहीं बनाई, बट कोशिश पूरी करूँगी कि आपको ऐसे समझ आ जाए। फ़िलहाल तो यहाँ कंटेनर खाली हो गया था, ये वाली ऑयल कंटेनर, तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, और इसको मैं रख दूँगी साफ़ करके। और भिंडी मैं कट करके गई थी, तो यहाँ पर भिंडी मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करी है। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर दिया है, और जब तेल गरम हो जाएगा तो मैंने उसमें पहले भिंडी डाल दी है, और 5 से 10 मिनट तक, 10 या 15 मिनट भी आप छोड़ सकते हो, सिम पे ही रखनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे बनानी है। लो फ्लेम पे बनाओगे तो भिंडी बहुत अच्छी बनेगी, और हाँ सरसों के तेल में ही बनाना तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस मैंने भिंडी जो है ना वो 15 से 20 मिनट हो गया था, पक चुकी थी अच्छे से, और इसके ऊपर से मैंने प्याज डाल दिया। मैं हमेशा क्या करती हूँ, पहले जब भिंडी पक जाती है भिंडी को निकाल के फिर ऑयल डालती हूँ, फिर प्याज पकाती हूँ, फिर जाके मैं भिंडी डालती हूँ। आज मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है, मतलब ये बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है, इंस्टेंट बन जाती है। तो भिंडी जब पक गई है तो उसमें मैंने प्याज डाल दी है, प्याज को मैंने डालने के बाद सारे मसाले डाल दिए, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी, जो भी हमारे रेगुलर मसाले होते हैं, सूखा धनिया वगैरह वो डाल दिया है, और हाँ आमचूर डालना, आमचूर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस ये सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसको मैं 10 मिनट तक के लिए ढक के रख दूँगी। इससे क्या होगा, प्याज जो है हमारे जल्दी से पक जाएंगे, और भिंडी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ऐसे कौन कौन बनाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देख लो मेरी भिंडी हो गई है तैयार, फर्स्ट क्लास से भिंडी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप लोग भी ऐसे ट्राई ज़रूर करना। तो बस लंच करके मैं बैठी थी, और बाहर आके देखा तो बारिश आ रही है, तो फटाफट आए ऊपर और सारे कपड़े करे अंदर। तो बेडशीट वगैरह तो मैं इन्हीं कपड़ों के ऊपर डाल रही हूँ, और जो मेरे पैंट वगैरह थी ना वो मैंने डोर के ऊपर डाल दी है, स्टार्ट ही हो गई थी बारिश। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े समेट रही हूँ, और कपड़े ना सूखने को ही नहीं आ रहे थे क्योंकि बारिश इतनी आ रही थी।
गुड इवनिंग गाइज। नींद में उठा है, चिड़चिड़ हो रहा है, सोता नहीं है। पहले इसको बोलते रहो सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, अब ये सो के उठा है, नींद में झूम रहा है ये लड़का। नींद आ रही है? 5 बज गई है और इसका ट्यूशन का टाइम होने वाला है 5:15 हो गया। अभी इसको कर करके उठाया है, उठ जा नन्नू उठ जा। ये देख रहे कैसे नींद में झूम रहा है। और अभी ये ले रहा है दूध बिस्किट, फिर बस इसका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। इसको रेडी करना है और आज इसको मेरे को छोड़कर आना है। आज फर्स्ट टाइम इसकी मम्मा छोड़कर आएगी इसके न्यू ट्यूशन में, है ना? किस पे छोड़कर आएगी नन्नू मम्मा? किस पे छोड़कर आऊंगी? तो आज हम जाएंगे नन्नू और मैं अकेले अकेले एक्टिवा पे। देखते हैं नन्नू को डर लगता है कैसे होता है एक्टिवा पे। तो खैर मैं कोई शूट वूट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अभी मैं एक्टिवा पे खुद इतनी कच्ची हूँ, मतलब ऐसे भी कच्ची नहीं हूँ कि नहीं चला पाऊंगी, चला लेती हूँ बट फ़ोन लेके ऐसे नहीं कर पाऊंगी मैं। और इसके पापा है नहीं तो मेरे को ही जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। ये पहले दूध पी ले फटाफट, इसके कपड़े निकालते हैं, इसको रेडी करते हैं और क्या पोस्ट है इसके ट्यूशन। और वहाँ से मुझे जाना है थ्रेडिंग कराने क्योंकि हम बन चुके हैं जंगली वाले बाबा। जंगली वाले बाबा है ना, वही बन चुके हैं। मतलब थोड़ी सी भी आ जाए ना शक्ल इतनी भद्दी लगती है, इतनी भद्दी लगती है कि बस पूछे ही मत। तो जाना है करवाने और बारिश आ रही है, बारिश अभी फिलहाल रुक चुकी है। तो चलो इसके कपड़े निकालते हैं पहले। तो ये रहा हमारा हैंडसम बॉय, रेडी हो चुका है। तो चलो अभी चलते हैं ट्यूशन छोड़ने। चलो भाई चलो 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 आ जाओ। तो बस इसको ट्यूशन छोड़ के मैं चली गई थी थ्रेडिंग कराने और बहुत सारे काम हो गए थे तो इस वजह से शूट नहीं हो पाया। और फिर सीधा मैं चली गई इसको ट्यूशन से लेने, 7:30 इसका ट्यूशन का टाइम होता है तो इसको लेने गई। फिर आते आते इसका मन कर गया कि इसको गार्लिक ब्रेड खानी है। एक्चुअली आज इसके पापा घर पर नहीं है तो इसने खूब फ़ायदा उठाया। ये पापा के आगे ना कुछ मतलब ऐसी चीज़ें बहुत रेयर मांगता है तो ये सारी जितना ये मेरे से ही करता है कि मेरे को ये खाना है मेरे को वो खाना है। तो बस इसको था कि पापा तो है नहीं तो मैं मम्मा से जिद कर सकता हूँ। और हमने भी आज पति के घर ना होने का फ़ायदा उठा लिया। तो बस हम ले आए, नन्नू अपने ले आए गार्लिक ब्रेड और मैंने सोचा चलो अब इसके लिए तो ले ही रही हूँ तो मैं अपने लिए भी पिज़्ज़ा ले लूँ। और पापा को फ़ोन करके कह रहा है हम तो पार्टी कर रहे हैं, पापा को चिढ़ा रहा था हम ये खा रहे हैं हम वो खा रहे हैं। तो बस यही सारी बातें हो रही थी, वीडियो कॉलिंग पे कॉल करके चिढ़ा रहा था पापा को। और इसको गार्लिक ब्रेड बहुत पसंद है, मतलब ये तो है ही इसको पसंद। कभी इसके मन में आ जाए कभी ये कहीं देख ले तो इसको पिज़्ज़ा खाना है, अदरवाइज़ इसको गार्लिक ब्रेड ही खानी होती है। तो बस इसने तो यही खाया। और हमने डिनर भी लेट किया था क्योंकि घर आते आते 8:30 हो गए थे तो 8:30 बजे तो हम पिज़्ज़ा वगैरह पार्टी अपनी यही कर रहे थे। देन फिर हमने खाना खाया 10:30 बजे, एक एक रोटी खाई फिर हम सो गए। तो बस यही था आज का कुछ हमारा दिन ऐसे ही गया। तो बेसिकली ये मेरा आज का आफ्टरनून टू इवनिंग का व्लॉग हो गया क्योंकि आगे तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था क्योंकि आगे कुछ करने को था ही नहीं। और नन्नू को ना कोई एक बंदा चाहिए होता है इसके साथ में बैठने के लिए, अगर मैं हूँ तो फिर इसको मैं ही चाहिए हूँ। जैसे अगर इसके पापा घर पे होते ना तो इसके पापा इसके साथ खेलते हैं बातें बातें करते हैं तो इसका टाइम बहुत जल्दी कट जाता है और मतलब ये उदास नहीं होता। तो आज इसके पापा तो थे ही नहीं तो मेरे को इसके साथ रहना था, बैठना था, बातें बातें करनी थी। और खेला थोड़ी देर, पढ़ा तो बस इसने ऐसे टाइम पास किया, थोड़ी देर अपने पापा से बात करी इसने। तो बस उसके बाद बच्चे को थोड़ा सा होता है ना कि
मतलब पापा तो पापा ही होते हैं और मम्मा मम्मा होती है, तो बस इसको पापा की याद भी आने लगी। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसको मन बहलाने के लिए इसके साथ खेला, कैरम बोर्ड वगैरह खेला, तो बस यही चीज़ें फिर मैं शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद पिज़्ज़ा खाने के बाद मेरा कोरियर आया था, तो मैंने कोरियर ओपन करके देख दिया। एक्चुअली कुछ मैंने प्रोडक्ट मंगाए थे, जो मेरा दूसरा पेज है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर मेरा कॉस्मेटिक वगैरह का काम है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको कॉस्मेटिक के सामान देखने को मिलेंगे। और अगर आपको परचेज़ करना है तो आप परचेज़ भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो बस वही सामान मंगाया था, तो ओपन करके देख रही थी कैसा सही आया नहीं आया। इसके बाद मैं इसके साथ बैठ गई बातों बातों में, और थोड़ी देर इसने फ़ोन वगैरह भी देखा। तो चलो गाइस, यहीं पे करते हैं इस वाले व्लॉग का एंड। होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।